सीकर के फतेहपुर शेखावटी से बड़ी खबर सामने आ रही है। गैस कटर से एटीएम काट कर ले गए 15 लाख रुपए। एक्सिस बैंक के एटीएम का कैश बॉक्स काट कर लेकर चले गए। एटीएम में बताई जा रही है 15 लाख रुपए से अधिक की राशि। कार में सवार होकर आए थे 3 लुटेरे। देर रात 3 बजे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। कोतवाली थाना पुलिस लगातार इस मामले को लेकर गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। मुख्य बावड़ी गेट के एक्सिस बैंक के बाहर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोतवाली थाना पुलिस, हालांकि इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर जांच में जुटी हुई है। मुख्य बावड़ी गेट के एक्सिस बैंक के बाहर की यह घटना बताई जा रही है। सीकर के फतेहपुर शेखावटी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गैस कटर से एटीएम काटकर 15 लाख रुपए लूटे गए हैं। एक्सिस बैंक के एटीएम का यह मामला है जहां पर कैश बॉक्स से 15 लाख रुपए चुरा लिए गए और उसके बाद में लुटेरे फरार हो गए। खबर सामने आ रही है कि कार में सवार होकर 3 लुटेरे आए थे। 3 लुटेरों ने कल देर रात 3 बजे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और 15 लाख से अधिक की राशि जो एटीएम में रखी थी उसे अपने साथ लेकर फरार हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गैस कटर से एटीएम काटकर यहां 15 लाख रुपए से अधिक की राशि 3 लुटेरे अपने साथ लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कार में सवार होकर 3 लुटेरे आए थे और उसके बाद में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। कल देर रात 3 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस की ओर से मौका मुआयना किया जा रहा है और इस पूरे मामले को गंभीरता से लेके आगे की कार्यवाही पुलिस की ओर से शुरू कर दी गई। फिलहाल पुलिस जो सीसीटीवी फुटेज वहां पर सामने आए हैं सीसीटीवी कैमरे में उसको लेकर लगातार जांच कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में पुलिस इन 3 लूट से इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं। गैस कटर से एटीएम काट कर 15 लाख रुपए लूट कर ले गए। एक्सिस बैंक के एटीएम का कैश बॉक्स काट कर यहां पर लेकर गए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला है, फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना? देखिए प्रीति, ये जो पूरी वारदात है फतेहपुर के बावड़ी गेट के बैंक के बाहर लगे एटीएम में ये वारदात हुई है, जहां पर गैस कटर की सहायता से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। 3 लुटेरे आते हैं और शिफ्ट कार में सवार होके आते हैं और गाड़ी को लगाते हैं और कम से कम 3 से 4 बार वो प्रयास करते हैं क्योंकि कभी किधर से, क्योंकि एक मुख्य रास्ता है फतेहपुर का, मुख्य जगह पर ये बैंक है और जब भी कोई गाड़ी आती है तो बार बार इनको अलग फैसिंग, ये शटर बंद नहीं होता एटीएम का। उसके बाद में करीब 3:11 की घटना है, वहां पर जब ये एटीएम लगभग मैनेजर द्वारा बताया जा रहा है कि 15 लाख से लगभग 15 लाख के ऊपर की जो राशि है इसमें बताई जा रही है। और मौके पर जब सेंट्रल ऑफिस से जब मैनेजर को सूचना मिलती है तो फतेहपुर कोतवाली को उन्होंने सूचना दी, जिसपे फतेहपुर कोतवाली पहुंची और शातिर इतना जो लुटेरे हैं वो इतने शातिर थे कि एटीएम के ऊपर जो कैमरा लगा था उसपे स्प्रे मार दिया था और बाहर, हालांकि जो बाहर एटीएम के बाहर जो कैमरा लगा था उसके ऊपर उसमें उनकी जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस है वो मामले की जांच करेगी। और जो इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे मामले की, तो कहीं ना कहीं लगातार फतेहपुर में ऐसी वारदात है क्योंकि पिछले परसों भी एक वारदात है, वो एक सोने के व्यापारी के साथ में हुई थी और बंदूक दिखाकर, ऐसे में लगातार लुटेरों की जो हिमाकत है लगातार बढ़ती जा रही है। जी चलिए राकेश, इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर से, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं फिलहाल जहां से एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, ये वहां की तस्वीरें। एटीएम के बाहर में पुलिस प्रशासन मौजूद है, लगातार मौका मुआयना किया जा रहा है। यही वो तस्वीरें हैं, यही वो जगह है जहां पर एटीएम रखा हुआ था और यहीं से 15 लाख रुपए 3 लुटेरों की ओर से उड़ाए गए हैं।